अगले कॉलर हैं जालंधर से हमारे साथ श्याम लाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल करिए अपना। हाँ जी, मुझे है ना एक बीपी की प्रॉब्लम है जी। बीपी की मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसके गोली के खाने से मुझे नॉर्मल 140-90 होता है बीपी। नंबर दो, मुझे प्रॉब्लम है मेरी लत्ता, गोडे और पैर, इनमें एक तो दर्दों का होना नंबर वन, नंबर दो इनका भारीपन आना, सिर में भी भारीपन रहता है। ठीक है ठीक है। इस टाइम ज्यादा, इस टाइम इनका भारीपन और सिर का, और साथ में लत्ता गोडे पैरों में दर्द होगा, जैसे मैं पौड़ी चढ़ता हूँ बैठ उठता हूँ गोडे में दर्द होता। ठीक है ठीक है। आइए बताइए, आपके दांत हैं क्या? आपके पेट पेट में है, ठीक है ठीक है। स्वामी जी ये बताइए, आपके दांत हैं या अभी गिर गए? नहीं, दांत अभी दो चार दाड़े मेरी खराब हुई हैं, वैसे जो ज्यादा दांत है खाना चबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, चल जाता है, मेरा काम चल रहा है। ठीक है। दो चार दाड़े दाड़े खराब है, वो आप ही टूट गई हैं, आधी आधी हाफ हाफ टूट गई हैं मतलब। ठीक है ठीक है। हाँ, जो जैतून के सिरके का आपने जिक्र किया वो आप ले सकते हैं दिन में एक बार या दो बार, तो ये आपके पेट का बड़ा ख्याल लगता है, एसिडिटी का, किडनी का, लीवर का और डायबिटीज को भी एक स्तर पर रोक के रखता है। जैतून का सिरका दिन में एक बार या दो बार ले सकते हैं, लेकिन जब आपको दर्द भी है तो उसके लिए आधा आधा ग्राम गोंद स्याह लें, काला गोंद आता है, और ये आधा आधा ग्राम दिन में एक बार या दो बार लें, और ये 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो ये अपने ख़त्म होते होते आपके सारे दर्द को ख़त्म करना इसका मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं दिल्ली से मनीषा हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी मैम। हाँ जी बोलिए। मेरे पापा के लिए पूछना था, उनकी एज है 50। ठीक है। और उनको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है और घुटनों में मतलब प्रॉब्लम रहती है, उनको सूजन और चलने में ऐसे रहता है जैसे थोड़ा टेढ़े से होके चलते हैं। एज क्या है उनकी? उनकी 50 से ऊपर एज है। ठीक है। और दर्द रहता है घुटनों में जी बेटा, और सांस की भी प्रॉब्लम है, जैसे थोड़ी सांस की भी प्रॉब्लम होती है उन्हें। जी जी बेटा, देखिए आपके पिताजी अगर लहसुन खा सकते हैं तो जब खाना खाते हैं ना तो 4 से लहसुन छील के उनके खाने के साथ में दे दिया करें, उनसे खाएं कि एक निवाले में एक लहसुन चबा के खा लें और फिर बाद में सारा खाना खा लें, ऐसे 4-5 लहसुन 6 लहसुन जितना भी वो खा सकें। निवाले के साथ खाएंगे तो बुरे नहीं लगते, लेकिन ये सांस के रोग को उनका अच्छा कर सकते हैं। और दिल का बड़ा ख्याल रखेंगे, बीपी का बहुत ख्याल रखते हैं, ये मामूली सी देखने की चीज़ है लेकिन रोज़ खिलाया करें उन्हें। और ये जो है उनका दर्द है, इसके लिए एक गोंद आता है, गोंद स्याह, काला गोंद इसे कहते हैं, नकली बहुत मिलता है, असली लें और रॉ मटेरियल लें, पाउडर बनाएं और आधा आधा ग्राम या उससे भी कम दिन में दो समय आप लीजिए, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, तो पिताजी का ठीक होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं सहारनपुर से हमारे साथ श्याम सिंह जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। आदाब भसीन जी, सर बात करनी थी। जी श्याम जी आदाब, बताइए क्या सवाल है? साहब मेरे पेट में गड़बड़ है, गैस बनती है बहुत और नीचे को निकलती है, पेट साफ नहीं होता। और अच्छा नीचे को निकलती है, ठीक है। अच्छा देखिए, 5 बार आपको गर्म पानी पीना है और 1 घंटा पैदल चलना है धूप में, अगर चल नहीं सकते तो धूप में बैठ जाइए, बस ये भी काफ़ी है। और अपने खाने में, अपने घर में जो खाना बनाने के जिम्मेदार हैं उनसे कहिए कि इतनी अदरक और इतना लहसुन डाला करें। देखिए जैसे मैं हाथ कटा रहा हूँ, हमारी महिलाएं ज़रा कंजूसी करती हैं, इतनी सी अदरक और इतना सा लहसुन डालती हैं,
तो बस इससे भी आप ठीक हो सकते हैं और कोई दवा की ज़रूरत भी नहीं है। और क्योंकि ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें शायद कुछ नुस्खा की ज़रूरत है, क्योंकि लाखों लोग सुनते हैं। तो एक आता है जैतून का नमक, ये देखने में नमक, जायके में नमकीन नहीं होता। ये 100-200 ग्राम कहीं मिल जाए असली, तो आधा ग्राम एक गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करिए, दिन में एक बार या दो बार, बस काफ़ी है आपके पेट के रोगों के लिए। और ये आपके पेट को मजबूर करेगा कि वो अपना काम अच्छे से करे और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं कुरुक्षेत्र से बबली हमारे साथ, स्वागत है बबली आपका। नमस्ते मैम जी। जी नमस्कार जी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जैसे हर बार कभी बुखार होता है, टाइफाइड हो जाता है जी। ठीक है, और कोई दिक्कत? बस एक वीक डाउन हुआ जी। एज क्या है आपकी? मेरी एज जी 35 साल। 35 साल। टाइफाइड बार बार होता है ये? हाँ बोल जी, टाइफाइड बार बार होता है। अच्छा, टाइफाइड हो तो बहुत अच्छा इलाज टाइफाइड का एलोपैथ में जब आप कराते हैं, तो दोबारा क्यों होता है? उसकी वजह ये होती है कि हम टाइफाइड की दवा हमने 7 दिन या 5 दिन ली और फिर रोक दी। डॉक्टर ने कह दिया ठीक है, आप भी ठीक ठाक महसूस करने लगी। हम बाद में टेस्ट एक इसलिए कराना चाहिए कि हमें टाइफाइड बाकी तो नहीं रह गया, तो इसलिए हम ठीक नहीं होते। अब जब भी इलाज कराएं, बाद में टाइफाइड का टेस्ट ज़रूर कराएं। फ़िलहाल आपके लिए एक वो है नुस्खा, और अरंडी का तेल आता है जिसे कैस्टोल ऑयल भी कहते हैं, ये मेडिकल स्टोर पर मिलता है, यूनानी ही दवा आती है। अरंडी का तेल 1 चम्मच रोज़ाना गर्म पानी के साथ पिया करें, और 5 बार गर्म पानी पिए। ज़रूरत पड़े तो शाम को भी ले सकते हैं 1 चम्मच, यानी 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ गर्म पानी पीना ज़रूरी है, और 5 बार गर्म पानी मज़ीद पीना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि आपको फिर टाइफाइड लौट कर नहीं आएगा। तो बबली जी, जो आपको टाइफाइड बार बार हो रहा है, जिसके कारण आपको यहाँ पे हकीम साहब ने बता भी दिए हैं, उसके भी आपने जान लिए हैं, तो अगर आप चाहती हैं कि आपको बार बार टाइफाइड नहीं हो, आपको इससे निजात मिल जाए, ये जड़ से ख़त्म हो जाए रोग, तो उसके लिए आपको ये नुस्खे अपनाने होंगे। अगर आप कोई भी बात सुनने से चूक जाती हैं या फिर आप लिख नहीं पाती हैं, तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकती हैं 24 आवर्स कभी भी। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है? लता है, लता में। जी लता जी, आपका सवाल? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को आपकी आवाज कट रही लता जी। हाँ जी, नेटवर्क में आके बात कीजिए, बहुत कट के आपकी आवाज हम तक आ रही थी। और लता जी, आपकी आवाज़ कट रही है, आप इतनी बड़ी सिंगर हैं और आपकी आवाज़ से तो दुनिया दीवानी है। हेलो 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 डॉक्टर साहब नमस्ते। मैं बोल रही थी कि मेरी एज है 62। हाँ जी। और मेरे पूरे दर्द रहता है डॉक्टर साहब, ऊपर से नीचे और कंबर घुटना। और क्या बोलते, अभी ये नया दर्द मेरे छाती में अटक जाता है, जो भी खाऊं हो जैसा ऐसा डकार जैसा आता, हल्की हल्की सी डकार आती कोई भी सब्जी की। और ये घुटने का दर्द तो मेरे को काफी टाइम से है, कंबर का तो मेरे को बचपन से ही समझ लो, हमारे माँ की एडिडिटी पे हम सब गए हुए हैं, मोटापा भी है। जी, तो मेरे को दवाई भी अगर भेजना है तो आपके वहाँ से ही भेजना पड़ेगा, यहाँ नहीं बनाऊंगी मैं, मिल भी नहीं रही, कोई है भी नहीं मेरे। ठीक है ठीक है। देखिए लता जी, हमारे देश की बहुत बड़ी सिंगर हैं, आप सब जानते हैं, जो बैठे हैं हमारे टेलीफोन लाइन पर, इनकी इनका नंबर नोट किया जाए और इनकी फौरी तौर पर मदद की जाए। इनका नंबर, इनका कॉल काटिए नहीं, इनका नंबर लीजिए और इनकी मदद कीजिए, और बहुत जल्द लता जी आपको फ़ायदा होने वाला है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से हमारे साथ रवि, स्वागत है रवि आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैं पहला ही हो रहा जी। कब से? 4 साल। 4 साल से पैरालिसिस हुआ है।
जी पैरालिसिस। अभी क्या हालत है, चल पाते हैं आप, कुछ परेशानी है? राइट साइड पे जी। अच्छा, चलते हैं आप, चलते हैं हाथ पैर चलते हैं आपके? हाँ जी। उठ के चलने लगे आप? हाँ जी। ठीक है, उम्र बता दीजिए। 55 साल जी। 55 साल। अच्छा, देखिए, जिसको भी पैरालिसिस हो या दिल का कोई अटैक हो, उसको बार बार होता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए क्या होता है। हमारे खून में चर्बी शामिल हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और वो जब खून गाढ़ा होकर हमारे दिमाग से घूम के निकलता है तो कहीं बारीक नस में दब जाता है, जिसे हमें फालिज, लकवा या पैरालिसिस, कोई भी नाम दे दीजिए। अच्छा, ये जिसको होता है, बार बार होता है, तो मैं एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ कि दिल का रोग और ये दिमाग का रोग किसी को ना हो दोबारा। और जो लोग रोगी नहीं हैं वो भी इसको ले सकते हैं, ताकि 45 साल के बाद किसी को कभी भी कुछ हो सकता है, 50 साल के बाद। तो ये नुस्खा लिख लें, बनाएं और सबको बताएं, ताकि हमारे हमारे भारत से ऐसे रोगी कम हो जाएं, क्योंकि अब ये हर किसी को होने लगा 45-50 साल के बाद। तो वो नुस्खा है, आप लिख लें कि अदरक का जूस निकालें 1 लीटर, नींबू का जूस निकालें 1 लीटर, लहसुन का जूस निकालें 1 लीटर, और जैतून का सिरका हासिल करें किसी भी सूरत में 1 लीटर। इन सबको मिक्स कर दीजिए। ये जो तैयार हुआ, ये 5 महीने चलता है, 4 लीटर 5 महीने चलता है। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम खाने के पश्चात लिया करें रोज़ाना। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि दोबारा से कभी नहीं होता फालिज। चर्बी को ये ढूंढ के निकालता है, वो चर्बी जिसने आपको फालिज किया उसको ढूंढ के निकालेगा, और पूरे खून की जांच करेगा, जहाँ जहाँ चर्बी होगी उसे कम करेगा। कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है, दिल का बहुत ख्याल रखता है, पेट का बहुत ख्याल रखता है, और दिल की रगें भी बंद होने लगती हैं, जिसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, ये उन्हें भी खोल सकता है। अगर कोई ऑपरेशन के दर पर है तो ये नुस्खा कोशिश कर सकता है जी। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, सागर से स्वागत है आपका जी। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है? सुष्मिता था जी। सवाल आपका सर, हसीन साहब के पास। जी जी, हेमलता जी बताइए, क्या सवाल है? सूखी खांसी आ रही है सर। सूखी खांसी आ रही, कितने दिन से और कितनी उम्र है आपकी? 45। कितने दिन से आ रही है? डेढ़ दो महीना हो गए। ठीक है, सबसे पहले आपके किचन में जो पीपलें कहलाती हैं, पीपलें, ये 1.5 इंच की इतनी लंबी लंबी बड़ी खूबसूरत सी काली काली पीपलें होती हैं, गरम मसालों में पाई जाती हैं, वरना आप सर्च कर लें, वैसे आपको पता होगा पीपलें क्या होती हैं। ये आधी पीपल तोड़ के चबा के खाएं रोज़ाना, और गर्म पानी पिए 5 बार। हो सकता है किसी दवा की ज़रूरत ना पड़े, 1 हफ्ते तक लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम अच्छी होना मुमकिन है। अगर किसी भी सूरत ना हो तो आप फिर माजून आर केयर खाएं लगातार कई महीने तक, इससे भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, सौरभ स्वागत है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं उज्जैन से। ठीक है, प्रश्न करिए। मेरे फादर वो डायबिटिक पेशेंट हैं और हार्ट पेशेंट भी हैं। कब से? लगभग 10 साल 12 साल। एज क्या है उनकी? एज अभी उनकी है 67। ठीक है। तो सौरभ देखिए, एक ऐसा भी सिरका आता है भारत में कि चाहे वो मुश्किल से मिलता हो, लेकिन वो डायबिटिक मरीजों के लिए और हार्ट के मरीज़ों के लिए और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए सोना कहलाता है, सोना। 3 चम्मच रात को सोते वक्त इन्हें 1 गिलास पानी में, छोटे चाय के चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, मिला के पिला दिया करिए। और ज़्यादा रोग है तो दिन में भी दे सकते हैं, 1 बार 2 बार भी दे सकते हैं। इससे इनको 2-3 फायदे बहुत अच्छे होंगे कि एक तो डायबिटीज़
एक स्तर पर रहेगी ये, वो दवा भी दें जो खाते हैं, मैं उसे छोड़ने को नहीं कहता, एक स्तर पर रहेगी। और ब्लड प्रेशर या दिल का बड़ा ख्याल रखता है और पैरालिसिस नहीं होने देता, गैस का एसिडिटी का मर्ज नहीं होने देता। और इससे भी बड़े फ़ायदे ये हैं कि किडनी का बड़ा ख्याल रखता है, क्योंकि इतने पुराने मरीज़ को कहीं ना कहीं दवाओं के नुकसान झेलने पड़ते हैं, हमारी किडनी, हमारे लीवर को, हमारे हाथों को, हमारे पेट को, तो ये उन नुकसान को रोक लेता है। वरना फिर हमारी किडनी का नंबर आता है, हमारे लीवर का, हमारे दिल का, ये इन तीनों का बड़ा ख्याल रखता है। आप इन्हें देना शुरू करें और आपके पिताजी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं जी।